बैंक एफडी के मुकाबले गोल्ड, रियल एस्टेट और शेयर बाजार निवेशकों के पसंदीदा विकल्प रहे हैं। इनमें पैसे लगाकर निवेशकों ने अक्सर मुनाफा भी कमाया है, लेकिन शेयर बाजार में गिरावट होने या इकोनॉमी के सुस्त होने पर रियल एस्टेट में लगाई जाने वाली रकम पर मिलने वाला रिटर्न घट भी जाता है। हालांकि रियल एस्टेट के निवेशकों को शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स की तरह नुकसान होने की आशंका बेहद कम रहती है। 10 साल पहले तो रियल एस्टेट में पैसा लगाकर लोग एफडी से कहीं पहले इससे ज्यादा दोगुना कर लिया करते थे, लेकिन पिछले 5 सालों में रियल एस्टेट की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। इस हिसाब से बीते 10 साल में भी रियल एस्टेट ने रिटर्न देने की कंजूसी की है। आंकड़ों के मुताबिक 2010 से अब तक रियल एस्टेट निवेश से 10% रिटर्न मिला है, जबकि पिछले 5 साल में रिटर्न घटकर महज 5.5% रह गया है। यानी मौजूदा 6% खुदरा महंगाई दर के हिसाब से 5 साल में रियल एस्टेट में करीब 0.5% का नुकसान हुआ है। जानकारों का कहना है कि किसी भी विकल्प में निवेश से पहले जरूर देख लेना चाहिए कि महंगाई की तुलना में उसमें रिटर्न कितना मिला है। अगर महंगाई के बराबर रिटर्न है, इसका मतलब आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, और अगर उससे कम रिटर्न आ रहा है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पर आपकी जेब से खर्च हो रहा है। तो इस नेगेटिव मार्केट में भी अगर सिलेक्शन हो, प्रॉपर्टी अच्छी है, तो प्रॉपर्टी से अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिया जा सकता है। अगर 10 साल में अलग अलग शहरों से मिले रियल एस्टेट रिटर्न को देखें, तो जून 2010 से जून 2020 के बीच देश के टॉप 10 शहरों में औसतन 11.6% रिटर्न मिला है। इस दौरान लखनऊ में सबसे ज्यादा 16.1%, कोलकाता में 13.3%, दिल्ली में 12.2%, मुंबई में 11.2% और जयपुर में सबसे कम महज 6.1% रिटर्न मिला है। डेवलपर्स का मानना है कि अगर बीच में रियल एस्टेट में नोटबंदी, जीएसटी, रेरा समेत कई सारे बदलाव एक साथ नहीं आते तो फिर ये रिटर्न कहीं ज्यादा हो सकते थे। पिछले कई वर्षों से रियल एस्टेट में मंदी की मुख्य वजह नोटबंदी, जीएसटी, रेरा और इस वर्ष कोविड है, लेकिन जो विश्वसनीय डेवलपर्स है वहाँ रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं। रेडी टू मूव इन्वेंट्री में भी काफी लोगों को अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। लोग छोटे शहरों में बड़े शहरों से शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए मांग में थोड़ी कमी आई है। बहुत जल्द कोरोना काल खत्म होने के बाद वो सभी लोग वापस आएंगे और मांग में तेजी आएगी, रिटर्न्स भी अच्छे मिलने की उम्मीद है। वहीं अगर 5 साल के रिटर्न पर नजर डालें तो फिर रियल एस्टेट नुकसान का सौदा साबित हुआ है। 2015 से 2020 के बीच दिल्ली में रियल एस्टेट ने महज 1.5%, वहीं कोलकाता में निवेशकों को महज 3.2% रिटर्न मिला है। बीते 10 सालों में बड़े शहरों में 2011 में सबसे ज्यादा रिटर्न मिला। जून 2011 तक एक साल की अवधि में 23.1% रिटर्न रियल एस्टेट निवेशकों को मिला, जबकि दिसंबर 2011 तक निवेशकों को 26.3% तक रिटर्न मिला। इसके बाद इनमें लगातार गिरावट आई है। 2020 जून तक सालाना रिटर्न घटकर 2.8% रह गया, जिसकी एक बड़ी वजह कोरोना संकट भी है। पिछले टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि रियल एस्टेट जो है रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल पा रही है कुछ टाइम से, क्योंकि उसका कारण बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि रियल एस्टेट एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। पिछले दिनों जो जीएसटी, नोटबंदी और रेरा का कंप्लायंस हुआ है रियल एस्टेट के ऊपर, तो उससे रियल एस्टेट सेक्टर जो पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसको अब ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ चलने का एक मौका मिल गया है, और कोई भी सेक्टर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करता है तो उसमें रिटर्न्स और लोगों का विश्वास बढ़ता है। जो हम देख रहे थे कि कुछ दिनों से रियल एस्टेट में जो सीरियस प्लेयर्स थे वो काम कर रहे थे, जो सीरियस प्लेयर्स नहीं है वो काम नहीं कर रहे थे। फिलहाल तो केवल गृह प्रवेश की चाहत रखने वाले ही रियल एस्टेट बाजार का रुख कर रहे हैं। इन्हें भी लुभाने के लिए दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों में बिल्डर 20% तक की छूट की पेशकश कर रहे हैं। साथ ही होम लोन पर ब्याज भी कई दशक के निचले स्तर पर है, बावजूद इसके खरीदार नहीं मिल रहे।